उपन्यास के बारे में बताऊंगा, जिसे आप फुर्सत के समय में पढ़कर आनंद ले सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती लिखित ये उपन्यास सबसे अधिक बिकने वाली उपन्यास है। दरअसल ये एक प्रेम कहानी है, विद्यार्थी चंदर और सुधा की प्रेम कहानी, जो सुधा कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। क्या उसका प्रेम सफल होगा? दूसरे नंबर पे है फैसला अभी बाकी है। मुकेश दुबे ने ये उपन्यास लिखा है। एक स्त्री के लिए समाज के दोहरे मापदंड पर चोट करती ये कहानी है। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल करार दी जाती है, खुद का पति भी उसे गुनहगार मानता है। अदालत का फैसला अवैध है, लेकिन समाज का फैसला अभी बाकी है, क्या होगा? तीसरे नंबर पे है वो चली गई। विनीत बंसल का उपन्यास है। यह कहानी जिंदगी की हकीकत दिखाती है। प्यार से प्यार न रहकर पागलपन बन जाता है। वीरेन मानसी और उसकी परी की ये प्रेम कहानी है। यहाँ प्यार और बेवफाई की कहानी, दोस्ती की राह पर प्यार और प्यार की राह पर दोस्ती की कश्मकश को सुलझने की कोशिश में कैसे वीरेन मोम से पत्थर बन गया और क्यों। चौथे नंबर पे है वो कौन था। अनिल मोहन का ये उपन्यास है। देवराज नामक इंसान की ये कहानी है। देवराज मलेशिया गया था, जगमोहन को अच्छा खासा छोड़ कर गया था। जब वापस आया तो जगमोहन लापता हो गया था। देवराज उसकी तलाश में लग गया। जगमोहन क्या कुछ बुरा काम करने लग गया था? और जगमोहन को किसने लापता किया था, वो कौन था? पांचवें नंबर पे है लल्लू। वेद प्रकाश शर्मा का ये उपन्यास है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो मरने के बाद भी अपने कातिलों को टिकने का नाच नचा रहा था, कैसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।